हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये देख लीजिए, मैंने विहान बाबू के लिए ना गिफ्ट मंगवाया था होली का स्पेशल, क्योंकि होली आ रही है तो मैंने कहा होली पे गिफ्ट दूंगी बच्चे को। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी ना पेंटे मंगवाई हैं, ये देखिए। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। साइज इतना मंगवाया है कि इसके ना इस साल अच्छे से आ जाए, क्या पता अगले साल भी आ जाए। तो ये मेरे को दिखाने नहीं देता, दिखाओ। ये एक तो ये कलर है येलो में है, एक ब्लैक में है, एक इसके अलावा ये कपड़े देख लेना ब्लू में है विहान। ये देख लीजिए, ये एक ये वाला है, देख लीजिए, एक ये रेड कलर में है। मम्मा कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे पसंद आ रहे हैं आपको? कौन सा कलर सबसे अच्छा लग रहा है? एक ये ब्लू में है, तो सारे है ना ये पेन। मम्मी सही आ जाएगा साइज इसके? वैसे आप खुद देख लो कितना निक्कू सा है, इसके दो साल आ जाएंगी ना मम्मी आराम से। आराम से ले निक्कू, मतलब दो साल चलेंगे, इसीलिए मैंने मंगवा लिया कपड़े। ये देखो डिजाइन्स भी बने हुए हैं, डिजाइन वाली है। करीबन आई थिंक ये 650 रुपए की आई है सारी, 650 से 700 रुपए की। मैं कहा चलो कोई नहीं, होली का गिफ्ट मिल जाएगा विहान को। कैसी लगी आप बताइएगा। मम्मी अच्छी है? बहुत अच्छी है, और क्या। मम्मा को पसंद आ रही है? चली गई है, हम अंधेरे में बैठे हैं, अभी अभी गई है जस्ट, वरना मैं टीवी चला रखा था। अभी देख के आती हूँ मैं कि ये बाबू कर क्या रहा है आखिर। विहू बाबू क्या कर रहे हो? देखो भाई, विहान एक नया काम ढूंढा है। ये वाली जो आपको दीवार दिख रही है ना, इसमें ये सारी नीचे देखो, ये सारी सीमेंट बजरी जितनी भी ये निकाली है इसने, सारी ये देखो यहाँ से सारी निकालता रहता है बैठा, ये काम करता है। विहान क्यों कर रहे हो? ऐ करता रहता है। क्या करूं मैं इसका, समझ के परे है बच्चा मेरा। मम्मा बोल रहे हैं कि ना तू ना निधि विहान को वो मत दे, चीकू मत, मतलब सॉरी चिप्स मत दियो ये वाले, वरना ये ना चीकू नहीं खाएगा। मम्मी इसको चीकू खिलाने लग रहे हैं। मुझे तो ये वाले ना पुदीना चिप्स बहुत ही ज्यादा, मुझे नहीं पता इसमें कितनी कैलोरी होती है नहीं होती है, पर ये सोया पुदीना चिप्स है। मैं लेकर आई थी, याद होगा आपको, वीडियो में ही लाई थी, आपको दिखाया। बताओ, तो ये हमारे चिप्स हैं और ये विहान जिद्दी भी करने लग गया है। ले उठा ले, कितने लेगा? ले दे, खा ले, खा ले, उस गिरा मत बेटा, खा ले, एक खा लो। अच्छा है, टेस्टी है, पसंद आया बाबू को? और ये देखना कर दिया इसने तो भाई, ये सारी ऊपर की जो सफेदी है ना, मैं टाइल्स लगवानी थी बस भूल गई, अब तो रह गया सो रह गया जो काम। इसे देखो सारा नीचे पूरा गिर दिया निकाल निकाल के। तो आप भी खा लीजिए मेरे साथ। मुझे लग रही है तेज वाली भूख, इसके लिए ये देखिए मैंने ले लिए अच्छे वाले मटर, और मैं अभी मटर की सब्जी बनाऊंगी। आपको नहीं पता कैसे बनती है तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सरसों का तेल कढ़ाई में डालती हूँ, ये देख लीजिए, बस ये देखो। अभी जैसे ही तेल गरम होगा हम इसमें डालेंगे जीरा। तो लेट मी सर्च जीरा कहाँ पर है, आई थिंक ये जीरा है, नहीं जीरा तो नहीं दिख रहा मुझे। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये देखिए लहसुन, अच्छा खासा लहसुन डालूंगी मैं। और आप सोचोगे जीरा नहीं डाला, जीरा मिल नहीं रहा मुझे, शायद खत्म हो गया, ले दी देखिए। अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे सारे मटर, आंच थोड़ी कम कर लेते हैं। अब मैं इसमें हल्के हल्के मसाले डाल देती हूँ, नमक थोड़ा और डालते हैं, हल्दी, बेसिक मसाले डाल के देखिए मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है। अब मैं इसको ढक देती हूँ, अब ये करीबन करीबन 5 से 6 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी सच्ची हमारी, बनके देख लीजिए बढ़िया सी तैयार होगी। ये गैस मैं कर रही हूँ बंद, क्योंकि
सही है, अब ये अपने आप ही थोड़ा सा भाप में बन जाएगी, वैसे तैयार है, बहुत ही 5-6 मिनट में बन जाती है। आपके पास कुछ ना हो ना तो ये बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा बेटा साथ में रोटी खा ले, तो हमने खाना डाल लिया है ना बेटा, मैं मम्मी के हाथ की डिश चख के देख, अभी तो गर्म है, आजा खाना खाएंगे। मैंने उसके बाद खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद विहान सो गया था, वैसे तो गलत टाइम पर सो जाता है बच्चा, लेकिन क्या करें अब उसका स्लीपिंग पैटर्न यही है, तो शाम के 5 बज रहे थे और विहान बाबू सो गए हैं, 4-4:30 बजे तक हम खाना खा रहे थे, उसके बाद ये सो गया, थोड़ा सा फीडिंग ली उसने और सो गया, उसको नींद आ रही थी। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, विहान की जो साइकिल है वो मैं ना स्टोर रूम में ही रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना ठीक रहता है, वरना बीच में रखी रहती है। आज तो बल्कि मैंने विहान से ना साइकिल चलवाई भी है, मैं कहा अंदर रखी रखे वैसे ही साइकिल का क्या यूज़ है, अब तो थोड़ा सा बच्चे को बाहर निकलना चाहिए, तो आज थोड़ी देर घुमा के लाए थे। तो उसके बाद अब मैं क्या कर रही थी कि कुर्सियाँ मैंने पीछे वाले रूम में रख दी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अब मैं गद्दा बिछाने वाली हूँ, उससे पहले मैं हल्का सा झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो मेरा ना दिन में 4-5 बार झाड़ू मैं पूरे दिन में घर में लगाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मैंने बता रखा है ना कि बच्चा ना ज़मीन पर फेंक देता है। तो यहाँ पे मैंने जब हल्का सा झाड़ू लगा लिया है, तो अब हम यहाँ गद्दा बिछा देंगे, क्योंकि विहान ना टेढ़ा होके सोता है, आपको बता रखा है ना मैंने, वो पूरी जगह घेर लेता है, फिर मुझे सीट नहीं मिलती, और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए ये गद्दा मैंने बिछा दिया है यहाँ पर, अब इसके ऊपर मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मेरी काफ़ी पुरानी वाली है, तो अभी बस जितनी है अभी उसी में काम चलाना है। अभी मैं अगले 1 साल तक आपको मैं मतलब इस तरीके का सामान मैं नहीं खरीदूँगी, बेडशीट वगैरह 5-6 बेडशीट रखी हैं, उनमें तो पूरा साल निकल जाएगा। तो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और मैं आपको बता रही थी, मैंने आप थंबनेल में मैंने बताया आपको कि मेरे को ना काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी हम प्रमोशनल वीडियोस करते हैं, मान लो आपकी कोई कंपनी है, कंपनी से हमें सामान मिल रहा है किसी चीज़ का, जब हम सारी वीडियोस कर लेते हैं ना, मतलब उनकी कंपनी की, तो फिर वो ना फिर जैसे साल का होता है उनका, जैसे 1 साल में वो मान लो हमसे 6 वीडियो बनवाते हैं, उसके बाद वो अगले साल ही बनवाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो मेरी आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी प्रमोशनल वीडियोस आई थी, बट अब नहीं आ रही हैं ज़्यादा, या अभी 1-2 आई होंगी, अब आने वाले दिनों में ज़्यादा नहीं दिखेंगी आपको, क्योंकि मैंने ना काफ़ी सारी कंपनीज का जो कॉन्ट्रैक्ट था मेरे साथ, मेरा वो पूरा हो गया, जैसे मेरा जितना भी था, जैसे उनका मैंने काम कर दिया, अब लगा लो हो सकता है मुझे अब पता नहीं कब मिले कब नहीं, शायद हो सकता हो 4-5 महीने बाद दोबारा से नए सिरे से कभी उनका कैंपेन शुरू हो तो मुझे कुछ काम मिल जाए, पर अभी के टाइम में तो अब तो मैं पूरी तरीके से लगा लो मतलब 90% अपने घर चलाने के लिए सब मैं यूट्यूब पर ही डिपेंड हूँ। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए बेड बहुत ही अच्छे से बना दिया था। अब मैं थोड़ा सा ना आदत है मेरी, पता है मैं बुक उठा लेती हूँ पढ़ने के लिए, पर बुक पढ़ते पढ़ते ना मैं थोड़ा थोड़ा मोबाइल भी यूज़ करने लग जाती हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ किताब, जैसे 20-25 पन्ने पढ़ लिए फिर थोड़ा सा मुझे देखना होता है, मुझे ना शॉर्ट्स वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं यूट्यूब पर, तो मैं वही देखती रहती हूँ, मतलब फॉरवर्ड कर करके, मतलब उनमें ना मेरा थोड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो बस मैं वही ऐसे ही वीडियोस वगैरह देख रही थी, और आज एक नई किताब मैंने निकाली है, उसको मैं पढ़ना शुरू करूँगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है पढ़ने में, तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और अभी ना मौसम ऐसा है कि सूट सुहाते हैं, मतलब आप कहोगे मतलब पूरी बाजू का सूट पहन रखा है, वैसे ना मेरे जितने भी सूट, अगर मैं वैसे तो ये रेडीमेड सूट है जो मैंने अभी पहना हुआ है, वैसे अगर मैं सिलवाती भी हूँ ना सूट, तब भी मैं पोनी बाजू ही रखवाती हूँ, मुझे ना पोनी बाजू काफ़ी पसंद आती हैं, काफ़ी स्टाइलिश लगती हैं, आप भी सिलवाया कीजिए पोनी बाजू ना, आधी बाजू मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, किताब पढ़ूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी, और खाना वाना तो मेरा हो गया, अब मैं रात को ना थोड़ा सा लाइट खाना खाया करूँगी, हल्का ही खाना खाना चाहिए रात को, अपनी सेहत का मुझे पूरा ध्यान रखना चाहिए। मेरे को ना एक वो मन में ही चीज़ आ गई है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना आप के लिए आपकी पीस ऑफ माइंड है, आपका मन शांत रहना चाहिए, और आपका ना अच्छे से आपको खाने पीने का अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपना खुद का भी रखना चाहिए और मेरे को अपने बच्चे का भी रखना चाहिए, इसीलिए ना अब मैं मीठा वगैरह थोड़ा सा कम अवॉइड करूँगी घर पे,
मतलब जैसे बच्चे को ना, जैसे मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना, जैसे फ्रूट्स वगैरह तो मैं लाती हूँ, वैसे फ्रूट्स खा लेता है, लेकिन वही है ना कि जैसे एक दिन चीकू खा लेगा, उसके बाद कभी जैसे मैं उसको अनार दूंगी तो अनार नहीं खाएगा, मतलब मूडी है बच्चा। अब जैसे इसका मैं बताऊँ, अभी ना ये केला नहीं खा रहा बिल्कुल भी, मैंने 2-3 बार ला के देख लिया, अब मैं लाई नहीं रही इसीलिए, बनाना नहीं ला रही हूँ अभी फिलहाल, ही अनार पसंद करके खा रहा है, तो जो फ्रूट ये पसंद करके खाता है मैं वही लेकर आती हूँ। ओ मैं तो सारे ही फ्रूट्स खा लेती हूँ, जो भी घर में रखा होता है ना फ्रूट्स में वही खा लेती हूँ, तो बस यही लाइफ है, एक एक दिन करके ना लाइफ में बस निकाल रही हूँ टाइम, अभी तो निकाल रही हूँ, कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं सच में अपनी लाइफ में खुश भी रहूँगी, पर उस दिन के लिए कि मुझे उस टाइम को अपनी लाइफ में लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और मैंने बहुत मेहनत की भी है। चलो देखेंगे लाइफ में कुछ अच्छा ज़िंदगी में हुआ तो बहुत खुशी मिलेगी। तो ठीक है जी, चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब, बाय बाय।